अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं सारे? और सुनाए क्या हो रहा है? अच्छा, तो आज वीडियो बनानी है, बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, बड़ा ख़ास है। और इसके ऊपर इसलिए भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि यही मसला आजकल चल रहा है, मौसम बदल रहा है, ये मसला ज़्यादा आएगा लोगों के लिए, और जो नए शौकीन हैं उनको फिर पता नहीं लगता। तो एक ही सवाल बार 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 मेरे चैनल पर ना बार बार ये सवाल आ रहा है, तो सोचा क्यों ना इसका दो तीन तरीक़ों से इलाज है, दो तीन तरीक़ों से बता दूँ, ज़रा बेहतर हो जाएगा। तो अच्छा भाई, टॉपिक है ये जो गर्मियों में मौसम बदलने से या कभी ऐसी बगैर किसी वजह के रेशा, नज़ला, ज़ुकाम, मुंह खोल के सांस लेना, इस तरह की, या मुंह काला कर लेना, सांस सही ना आना, वैसे बिल्कुल ठीक, खा पी सही रहे हैं लेकिन गला बंद है, नाक बंद है, नाक बह रहा है, रेशा है, खर खर की आवाज़ आ रही है, इस तरह का कोई भी मसला है उसके ऊपर ये आज वीडियो बनेगी। उसके बाद आखिर में मैं एक बंदे का थोड़ा अपनी वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाहूँगा उसको, और बड़े तमीज़ के लहजे में देना चाहूँगा, हालांकि उसने तमीज़ जो थी ना उससे बात नहीं की। चलो खैर, बहरहाल वो अलग बात है। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक है जी रेशे का। अब अच्छा, तो बात करते हैं फिर टॉपिक पे। अब जो रेशा होता है ना, ये क्यों होता है यार? रेशे की जो वजह है ना वो ये है कि अक्सर, मोस्टली, ज़्यादातर ऐसे रेशा इस तरह होता है कि जब मौसम बदलता है ना तो ये रेशे वाला मसला आने लग जाता है। रेशा जो होता है ना ये आने लग जाता है, अक्सर नाक बहता है कई मुर्गियों, कईयों का गला बंद हो जाता है, उनको सांस लेने में मुश्किल आने लग जाती है। जिनका गला नहीं बहता या कुछ और मसला है, उन मादियों को या बच्चों को या मुर्गे को खर खर की गले से आवाज़ आने लग जाती है। अच्छा, इसके अब कोई बंदा ये कहेगा इसका कोई देसी इलाज है, देसी इलाज है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, कोई गारंटी नहीं है उससे भी ठीक होता है। बेहतर ये है कि इलाज करें जिसका रिजल्ट मिले। अब रिजल्ट है इंग्लिश दवाई में, ठीक है, इसका, रेशे का, और ये कहीं से भी मिलेगा। मैं जो सॉल्ट है ना वो भी बता दूंगा, कहीं से मिल जाएगा, किसी भी नाम की दवाई हो लेकिन सॉल्ट सेम हो, आपको ये दवाई ही इस्तेमाल करनी है अगर किसी को ये मसला होता है। अच्छा, अब चलते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले तो भाई क्या करना है, अगर कोई मुर्गी है, आप देख रहे हो कि वो बार बार छींके बड़ी मारती है, खाना खाते हुए भी छींक मारती है, लेकिन ये नहीं है कि एक दफ़ा मारी तो आपने कह दिया जी रेशा हो गया। अगर वो बिला नागा ऐसे करती है तो ये दवाई लगानी है। अगर गले से खड़खड़ की आवाज़ आए तो ये दवाई लगानी है। अगर नाक बहता है उसका, नाक बहता है और नाक के यहाँ पे देखोगे ना साइडों के ऊपर, जब कभी मिट्टी में मुर्गी नहाती है या मुर्गा नहाता है या बच्चा, तो जब नज़ला ज़ुकाम हो जाए ना और आपको पता ना लग रहा हो, तो ये देखा करो जब मिट्टी में वो नहाए ना तो उसके नाक के इधर इधर ना मिट्टी जम जाती है, उसको हाथ से साफ़ कर लिया करें, ये लाजमी होता है, ठीक है। तो तब भी पता लगता है कि इसका नाक बह रहा है, इसको मसला है, ठीक है। रेशे, नज़ले, ज़ुकाम, खरखर की वजह से मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, जिनको ये मसला आता है इसका ख्याल नहीं किया जाता, वो बच्चा, वो मुर्गा या वो मादी ग्रोथ नहीं करते, उनकी ग्रोथ में शदीद कमी आती है, ना वो वेट बनाते हैं, ना ऐसी मादी अंडे ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा क्वालिटी वाले उतारती है, ना ही ज़्यादा अंडे उतारती है, नर आवाज़ा रहता है, जोड़े होने में मसला होता है उसको, इसके अलावा लड़ाई में भी कोई रिजल्ट नहीं, ठीक हो गया। जो बच्चा होता है छोटा, वो बिल्कुल ही ग्रोथ रोक जाता है, जिस तरह का मर्जी हो, कमज़ोर, दुबला पतला, मर मर के ग्रोथ करेगा, जिसको ये रेशे इसका मसला हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है जी, आपने सबसे पहले, आपको एक गोली बताता हूँ, ये है वो पहली चीज़ जो बिल्कुल माइनर सी है, जो हल्का फुल्का है, जिस तरह आपने देखा यार आज ही हुआ है, हल्का फुल्का सा, ज़्यादा कंडीशन नहीं है, घूम फिर रहा है जानवर, घूम फिर रहा है, ठीक है, दाना दूना खा रहा है, हजम कर रहा है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम हो गया है, उसके लिए गोली आती है लीफ लॉक्स। लीफ लॉक्स 250 mg वाली आपने लेनी है। उसका फ़ायदा क्या है, लीफ लॉक्स 250 mg जो होती है ना, ये एडवांस लेवल की दवाई है, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन सॉल्ट होता है, और मैं कंफर्म करूंगा, इसके अंदर वैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन सॉल्ट होता है, लीफ लॉक्स का नाम है, कहीं से भी मिलेगी, फिफ्थ जनरेशन मेडिसिन आई, मतलब ये पुरानी नहीं है, फिफ्थ जनरेशन है, लेटेस्ट जनरेशन मेडिसिन है ये वाली लीफ लॉक्स 250 mg, ये आप उसको दे दें, इंशाल्लाह 3 दिन लगातार दो बेस्ट है, बिल्कुल नज़ला ज़ुकाम उसका ख़त्म हो जाएगा। 250 mg से ज़्यादा नहीं देनी। अगर 2 माह का बच्चा है तो उसको 250 mg की उस गोली के 4 हिस्से कर लेना, और एक हिस्सा उसको देना सुबह, एक हिस्सा देना शाम को, ठीक है। अगर
चार से पांच महीने का है तो आधी गोली, और अगर पूरा 8 महीने क्रॉस कर गया तो पूरी गोली 250 mg की। ठीक हो गया, तरीका भी बता दिया, नाम भी बता दिया, इस्तेमाल भी। अब दूसरी चीज़ है, एडवांस लेवल आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो मुझे हर बारी काम करता है, मैं कुछ ज़्यादा दवाइयों का कम्बिनेशन नहीं लगाता, ज़्यादा दवाई तब लगाता हूँ जब ये नज़ला ज़ुकाम रेशा करेजे में बदल जाता है। करेजा बहुत जानलेवा बीमारी है, बहुत कम जानवर होता है जो करेजे में आके बचता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी इलाज है, इसके अंदर से भी बचा जा सकता है अगर टाइम पे इस चीज़ को पकड़ा जाए। करेजे वाला किसी दिन और करेंगे, पहले आ जाते हैं इसके ऊपर, अगर इससे गोली से फ़र्क ना पड़े और उसका ज़ुकाम नज़ला खड़खड़ आने लग जाए, उसके लिए मेरे लिए हमेशा काम करता है, बेस्ट से भी बेस्ट है ये नुस्खा, 3 दिन लगातार इस्तेमाल करना है, टीका है। उसके अंदर आपने लेना है पेंसिलिन 10 लाख इंजेक्शन लेना है, और उसको उसमें आपने 1 ml जहाँ पर एक लिखा होता है उतना लिंकोसिन जो है ये सॉल्ट है, लिंकोसिन सॉल्ट की कोई भी आपको टीका मिले, दवाई मिले, आपने वो टीका जो है ले लेना है, 1 ml पेंसिलिन 10 लाख में डालना है और उसको अच्छी तरह हिला लेना है, अच्छी तरह मिक्स करके 3 दिन लगातार उसके सीने में लगाना है। ठीक हो गया, और 1 ml ही होगा वो पेंसिलिन के अंदर, 10 लाख की इतनी सी शीशी होती है, उसके अंदर 1 ml आपने डाल देना है और वो पूरा टीका उसको लगा देना है, चाहे खाने के बाद लगा दो चाहे सुबह लगा दो, कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है, लेकिन लगाना 3 दिन लगातार है। ये था दूसरा इलाज जिनको ये मिल जाए, पेंसिलिन और लिंकोसिन। ठीक हो गया, लिंकोसिन लिंकोमाइसिन लिंको एस या लिंको एक्सब एक ही चीज़ है, जिसको जो मिले वो इस्तेमाल करे। अब आते हैं तीसरे एडवांस लेवल के ऊपर, इससे भी ज़्यादा एडवांस, एक टीका आता है साइनोबायोटिक के नाम से, उसके अंदर 3 तरह के सॉल्ट होते हैं, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो रेशे का इलाज है, एक पेंसिलिन 10 लाख जो इसको मदद करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन को, और एक बेंजाइल पेंसिलिन है। ये 3 सॉल्ट होते हैं, उसमें नाम बता दिए याद रखने आपने, ये तीनों सॉल्ट होते हैं उसके अंदर। ये वाला साइनोबायोटिक टीके के अंदर कुछ नहीं मिलाना, इसके अंदर डेक्सामेथासोन आता है, बहुत लो लेवल का स्टीराइड है, हर बंदे को अपने घर रखना चाहिए, हर दवाई के साथ इसको मिक्स करके लगाएं, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये बहुत बड़ा टोटका आपको बताया, हर बंदा नहीं बताएगा कि डेक्सामेथासोन या डेक्सा क्या होता है, किसी भी जानवरों वाली दुकान से मिल जाएगा, अभी तक जो भी मैंने बताया ये जानवरों वाली ही दुकानों से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा, सिवाय लीफ लॉक्स वाली गोली। लीफ लॉक्स जो है वो इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिलेगी, बाकी जितनी दवाइयां वो जानवरों वाले मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। तो आते हैं जी इसके ऊपर साइनोबायोटिक। साइनोबायोटिक बहुत क्लास का टीका है, वो उसके अंदर इतना पाउडर होता है, उसमें आपने डेक्सामेथासोन लेना है, डेक्सामेथासोन ना मिले तो B12 ले लो, ठीक है, या नैरोबियन ले लो या मैथिकबॉल ले लो, वो आपने उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। 1 ml सुबह लगाना है, ठीक है, 1 ml अगली सुबह लगाना है और 1 ml अगली सुबह लगाना है, 3 ml उसके अंदर आपने मैथिक बॉल या जो भी नैरोबियन या डेक्सामेथासोन जो भी मिले वो आपने डालना। ये होगी तीसरी चीज़। अगर ये भी किसी को नहीं मिलता तो चौथी चीज़ पे आते हैं, उसके अंदर का इलाज है, एक टीका आता है ऑक्सीडिल के नाम से, आपने ऑक्सीडिल इंजेक्शन लेना है, ऑक्सीडिल इंजेक्शन के अंदर आपने मैथिकबॉल डालना है, ठीक हो गया, ऑक्सीडिल इंजेक्शन के साथ आपने 0.5 ml लिंकोसिन लेना है और 0.5 ml डेक्सामेथासोन लेना है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना अच्छी तरह, जितना भी वो बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडिल जो है ना उसके अंदर अपना भी पानी होता है, वो भी उसके अंदर डालना है, ये सारी चीज़ें जो बन जाए, 0.5 ml सुबह 0.5 ml शाम को, ठीक है, ये एडवांस लेवल है, 0.5 ml सुबह 0.5 ml शाम को, ठीक हो गया। इसके साथ आपने उसको और कुछ नहीं देना, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये चीज़ें वो हैं जो मैंने आजमाई हुई हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताया। ऑक्सीडिल इंजेक्शन है, ये भी इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से मिलेगा, ठीक है, बाकी जो इस नुस्खे के अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं ये इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक हो गया। अब आते हैं भाई एक बंदे की बात के ऊपर, यहाँ पे एक बंदा 2-3 दिनों से मुझे बड़े अजीब कमेंट कर रहा है, मैं चाहूँ तो मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से उसकी तबीयत साफ कर सकता हूँ, मलंगी साहब उसका नाम है, ठीक है, मुझे कमेंट करके अजीबो गरीब कमेंट कर रहा है, ये कर दो मैं तुम्हारी वीडियो बंद कर दूंगा, डिलीट कर दो वीडियोज अपनी, ये है लोगों गलत गाइड कर रहे हो। मलंगी साहब मैं अपने इस नेटवर्क पे आपको ये कहना चाहूँगा, आपको मैसेज आपने मेरा पढ़ा होगा, थोड़ी तबीयत तो आपकी साफ हुई होगी, लेकिन मुझे पता है आप कुत्ते की दुम में कभी सीधे नहीं होंगे, ठीक है, वो मैं पाइप में भी रखेंगे ना तब भी सीधे नहीं होंगे, भावें तुम पाइप च पा दे भावें तुम पाइप दे दो, सीधे नहीं होना, ठीक हो गया।
ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਛੇਤੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਝੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੰਜ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵਰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਕੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਿਆ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੁਝੇ ਆਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਦ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਆਈ? ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਛੋੜੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਇਸਕੋ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸੇ ਇਸਕੋ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੇ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਨ ਸਾਰੋਂ ਕੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਤੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਬੁਰਾ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਸਕਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਸਕੋ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਮੈਨੇ ਏਜ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਲਈ ਬਤਾਏ ਕਿ ਜਿਸਕੋ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੋ ਕਰੇ। ਲਓ ਜੀ, ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।